ऐसे हो मेरे खस्सी कॉलोनी के दोस्तों, चप्पल बेरोजगार नल्ले छपरी। मैं मम्मी की वजह से भी उबला रहा हूँ, लौट तो लौट है भाई। कल मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बुखार आ चुका था, सिर दुख रहा था, पूरा शरीर दुख रहा था। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइज, और राम राम मेरे सभी भाइयों को। सो आज मैं वापस ब्लॉग चालू करूँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, 11 बज गए दिन के। सो कल मेरी तबीयत खराब थी, आपको पता है, कल मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बुखार आ चुका था, सिर दुख रहा था, पूरा शरीर दुख रहा था। सो मैं ब्लॉग एंड कर दिया था जल्दी, कल की तो क्लिप शायद 5 मिनट के अंदर ही बनी है। तो अभी मैं अलमारी में से कपड़े निकाल के इसको दे रहा हूँ, ये प्रेस कर रही है मेरे कपड़े, इन सब की आयरन ही करेगी, कर देगी ना, सब बेइज्जती करता है पूछने के बाद में। पहले खुद ने मांगे थे, कह रही थी कि कपड़े वपड़े दे दे, प्रेस करनी है, रेन वाल जाना है ना। सो तैयारी अभी से ही चालू कर रहे हैं। और अभी ऊपर की सफाई कब करवाएगी मेरे को? तू कब करवाएगा? मैं कब कराऊंगा? मैं 26 तारीख को कराऊंगा। और यार मैं सोच रहा हूँ बाल वाल कटवाए हूँ यार, बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेकार से दिखने लगे अब तो बाल। ये थोड़ी दाढ़ी जो पूरी भी नहीं आ रही है वो भी कटवा के आनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आ गई है। सो या तो आज, आज तो नहीं, खैर 27 तारीख को चलते हैं, 27 तारीख को करवा के आएंगे। 27 को है तो फिर 26 को करा के आएंगे, 26 को जाएंगे सफाई करवा के, दाढ़ी वाड़ी ये करवा के, जो आधी दाढ़ी आई है आधी दाढ़ी करवा के, और बाल कटिंग करवा के, और फिर रेनवाल चल जाएंगे। 28 को नाना आ जाएंगे मेरे। यार ये मौसम तो ना, मतलब पता नहीं क्या कहेगा, कि जब भी मैं बाहर जाने की सोचता हूँ तब मौसम ख़राब हो जाता है, और अभी भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि अभी वो तो सीन नहीं है कि अभी कोई बारिश वगैरह आ रही है, बट मौसम तो ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकती है। पर मैं देखता हूँ कि बाहर जाने का हुआ तो, बाहर तो यार जाना पड़ेगा क्योंकि घर के अंदर तो बिल्कुल मन नहीं लगता। वही फिर पड़े पड़े पुनीत सुपरस्टार जैसे क्लिप बनाएंगे, पुनीत भाई लव यू, पुनीत सुपरस्टार जैसे क्लिप बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि एक ही लॉर्ड तो एक। हेलो गाइज, आज मैं फिर घर पे, कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को बुखार आ गया था, मम्मी चली गई शायद उस कारण हुआ है। आज मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा, मैं मम्मी की वजह से व्यूज़ ला रहा हूँ, 10 जो भी आ रहे हैं मेरे मम्मी की वजह से आ रहे हैं, थैंक यू मम्मी। तो मम्मी रेनवाल से आज तो नहीं आएगी, मेरे को पता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, आज तो नहीं आएगी मम्मी, मम्मी आएगी कल। और यार अब मैं देख रहा था बिग बॉस, पता है क्या सीन चल रहा था उसके अंदर, मैं पहले के एपिसोड देख रहा था, उसके अंदर क्या चल रहा था, पुनीत को नंबर 2 से नंबर 10 पे ले आए, उसको 20,000 रुपये दिए, वो बेड के ऊपर भी नहीं सो पाया बेचारा। पर यार पुनीत तो लॉर्ड है, मैं उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे हो मेरे खस्सी कॉलोनी के दोस्तों, चप्पल बेरोजगार नल्ले छपरी। अच्छा तो मेरे दोस्तों, ये नल्ले छपरी बेरोजगार लड़के आजकल कोठी बंगले वाले लड़कियों के साथ डेट पे जाते हैं। ठीक है। ओ मेरे खस्सी कॉलोनी के लोग, ठीक है, मेरे खस्सी कॉलोनी के लड़के, एमसी स्टैन नल्ला छपरी बेरोजगार साला, मैं झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि ताट नकली कर दूंगा मैं। लॉर्ड तो लॉर्ड है भाई, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा लॉर्ड, आप काम कंटिन्यू रखो, एमसी स्टैन को बाढ़ में जाने दो। एमसी स्टैन को पहले मैं बहुत लाइक करा करता था, बट अब एमसी स्टैन दिल से उतर गया और उसने लॉर्ड की बेइज्जती कर दी। बट उसकी भी कोई गलती नहीं है अपन कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट मिली थी, उसने जैसा लॉर्ड को मैसेज करा, उसको स्क्रिप्ट मिली थी, उसने स्क्रिप्ट वाला सब कुछ कह दिया। अब देखते हैं, बाकी गलती तो क्या है सबकी, पर लॉर्ड की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैं सो जाता हूँ, बस हवा निकल गई। गाइज रात के बज चुके हैं 8:30, और मेरी लिखावट जो है गलत हो चुकी है, मम्मी आज ही आ रही है, आज ही आ रही है मम्मी, बिल्कुल आज ही आ रही है, आज ही आ रही है, मम्मी आ रही है। सो कंटेंट मिल गया। मम्मी ना थोड़ी देर में आने वाली है, मम्मी के साथ मौसी भी आ रही है, डबल कंटेंट मिल गया, तो कंटेंट मिल गया। तो अभी आएगी मम्मी, और फिर उसके बाद मैं मम्मी को पक्का लूंगा ब्लॉग के अंदर, मम्मी बिना तो ब्लॉग अधूरा मेरा, कहीं घूमने जाऊँगा एक अलग बात है, बाकी घर में रहूँ और मम्मी बिना तो ब्लॉग अधूरा है। गाइज मम्मी आ चुकी है गली पे, तो मैं लेने जा रहा हूँ मम्मी को। वेलकम 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 गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ये मेरी मौसी, वो मेरी मम्मी, जा रही है घर पे बिना बात करें, एटीट्यूड आ गया एक दिन के अंदर ही एटीट्यूड आ गया क्या आपके अंदर? ला बता, नानी के जाके आ गई एक दिन के अंदर एटीट्यूड वाले गाइस, सी कॉलोनी के दोस्तों कंटेंट।
नहीं आज आप 24 घंटे बाद आए ना, मैं आपको कुछ लाया हूँ, मैं आपको देता हूँ, पड़ी रहती है सारा दिन। एक एक वो भैंस नहीं पड़ी रहती खाना खाने के बाद, वैसे पड़ी रहती। मम्मी बताओ, सच बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल यस, मम्मी मेरे साथ है। मम्मी के लिए जो कुछ लाया था मैं वो, हाँ मैं मम्मी के लिए चॉकलेट लाया हूँ, इसलिए मम्मी मेरा साथ दे रही है। ये मम्मी का डांस फिक्स है, ले इसको दे देता हूँ, मोदो क्या है, प्लीज टेक इट, थैंक यू। ये भैंस, भैंस मारने की कोशिश करिए, बांधो इसको। सो गाइज, मम्मी आ चुकी है, मैं थोड़ी डांट भी सुन लिया आते ही, थोड़े ताने भी सुन लिया आते ही, मौसी को मैं थोड़े ताने भी दे दिया आते ही, और हम अब सोते हैं। मैं कुछ नहीं करता, दिन भर घर वालों के टुकड़ों पे पलता हूँ, फ्री की रोटी खाता हूँ, फ्री का खाना खाता हूँ, सुबह उठता हूँ फ्री का नहा के आ जाता हूँ, पानी भी फ्री का है पी लेता हूँ, बाहर डो लेता हूँ, तेल भी फ्री का ही भरवा रहे घर वाले भरवा रहे, मैं कुछ नहीं कमाता धमाता। और गाइज, इसी के साथ मैं फ्री का ब्लॉग एंड करता हूँ, और तुम फ्री में देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय, गुड नाइट, जय श्री राम। ट्रेनवाल मत जाया करो, मेरे ब्लॉग की TRP गिर जाती है।